नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखते हैं पटवारी परीक्षा 21 दिसंबर 2017 में आए हुए कुछ क्वेश्चन एवं उनके आंसर। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज तथा ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको नई नई अपडेट तथा परीक्षा संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आइए देखते हैं परीक्षा संबंधी कुछ प्रश्न जो पटवारी परीक्षा में आए हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था 1978 में मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? तो कैलाश चंद्र जोशी। दोस्तों, एक बार जो लिस्ट है प्रशासनिक अधिकारियों तथा मंत्रियों की, कौन कब बना था, ये आप जरूर देख लें। वहीं कैबिनेट मंत्री तथा मध्य प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों संबंधी भी जो वीडियो है हमारी, उसे आप जरूर एक बार देख लें। अभी लेटेस्ट ही हमने करंट अफेयर की एक वीडियो डाली है, उसे देखना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं गिवर ऑफ प्लेजर नदी कौन सी है? तो दोस्तों, नर्मदा को रिवर ऑफ प्लेजर या गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है। वहीं वनस्पति रिसर्च सेंटर या पादप रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो दोस्तों, लखनऊ में है। वहीं ग्वालियर में बट्टू बाई का संबंध किससे है? तो सिंधिया परिवार से। वहीं पूछा था भिंड किला, तो ये भिंड के अटैर में है। ईमेल सेंड करने के लिए सब्जेक्ट जरूरी है या नहीं? दोस्तों, सब्जेक्ट जरूरी होता है, जिससे ईमेल के बारे में पता चलता है। वैसे आप बिना सब्जेक्ट के भी उसको भेज सकते हैं, या किसी सब्जेक्ट और बॉडी के भी आप उसमें ईमेल भेज सकते हैं, सिर्फ उसमें एक अटैचमेंट जरूरी होता है। वहीं पूछा था आपसे कि भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, पहली जो संसद बनी थी उससे संबंधित जितने भी मंत्री हैं, उन उनकी वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसे आप देख लें एक बार, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो व्यापम की परीक्षा हो चाहे पीएससी की। वहीं आपसे पूछा था कि अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में। कबड्डी 2016 का मैच कौन जीता था? कबड्डी 2016 का जो विश्व कप कबड्डी मैच था, उसे ईरान को हराकर भारत ने जीता था। तो भारत इसका उत्तर है। वहीं पूछा था 2016 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये थे शंख घोष बांग्ला साहित्य। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? तो 13 जनवरी 2016। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य पूछा गया था, तो कृषि संबंधी गतिविधियों हेतु किसानों को निवेश प्रदान करना इसका उद्देश्य था। वहीं सांसद आदर्श योजना से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, ये योजनाएं संबंधी प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो योजनाओं संबंधित हमारी वीडियो जरूर देख लें आप। वहीं पूछा था भारतीय पादप विकास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जैसा कि आपके पहले बनाया गया था, लखनऊ। वहीं पूछा था दीपा कर्माकर कहाँ से है? तो इसका उत्तर अगरतला त्रिपुरा से। वहीं आपसे पूछा सन क्रोना मिशन है वो कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों, ये इसका ऑब्जेक्टिव देखकर ही आप इसके उत्तर लगा सकते हैं, जो कि गुना में हुआ था। सन तथा मून के रिलेटिव टाइम से संबंधित था। वहीं पूछा था एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। पंचायत का लेखा जोखा कौन रखता है? तो ग्रामीण का जो पंचायत अधिकारी होता है वह रखता है। दोस्तों, इस प्रकार से पटवारी परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए। वहीं आप हिंदी से संबंधित प्रश्न में अलंकार छंद का उदाहरण पूछे जा रहे हैं। वहीं रस का स्थायी भाव, बर्तनी के 1 से 2 क्वेश्चन, पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन तथा विलोम के एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन्हें आप जरूर देख लें। वहीं एमपी जीके की बात करें तो इस बार एमपी जीके कुछ डीपली पूछा जा रहा है, तो आपको मंदिरों स्मारक तथा जो करंट अफेयर है वो जरूर देखना है। बात करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो इसमें आपको योजनाएं तथा वे कब लागू हुई और उनकी राशि तथा मनरेगा संबंधी योजनाओं की वीडियो आप जरूर देख लें हमारी। वहीं पंचायती राज की बात करें तो इसमें आपके आर्टिकल पंचायती राज की जो कमेटियां हैं उनको जरूर देख लें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।